बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। लगातार खबर ये आ रही है कि आज पीडीपी और बीजेपी में समझौता हो सकता है, यानी कि गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि कई दिनों से पीडीपी और बीजेपी में बातचीत चल रही है सरकार बनाने को लेकर। पीडीपी की तरफ से पहले ही संकेत दे दिए गए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है उसे साकार करना चाहते हैं और बीजेपी इसमें सहयोग दें। बीजेपी की तरफ से भी कई बार पहल हुई है और आखिरकार ये पहल अब साकार होने जा रही है। आज उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी और पीडीपी के बीच गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है। एक बार आपको फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। पीडीपी के पास 27 सीटें हैं जबकि बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। हालांकि निर्दलीय और अन्य को मिला के बीजेपी के पास अब 31 विधायक हो गए हैं और लगातार सरकार गठन को लेकर बीजेपी की तरफ से दावा भी की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी के ही होंगे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आज इस पर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी और पीडीपी लगातार संकेत मिल रहे हैं। वहां से दोनों पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी और एनसी में बातचीत हो रही है, हो सकता है कि बीजेपी एनसी मिलकर सरकार बना ले, लेकिन अब खबर आ रही है कि पीडीपी और बीजेपी में आज औपचारिक ऐलान हो सकता है गठबंधन को लेकर। सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सहयोग से। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा कि नहीं ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है उसमें यही कि आज इस मामले में फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि वहां के जो राज्यपाल हैं एनएन बोहरा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द निर्णय लेना जरूरी है।